संसाधनों से कोई चैंपियन नहीं बनता। अगर संसाधनों से, पैसे से, सहूलियत से चैंपियन बनने होते तो आप उठा लीजिए, गूगल करिए चैंपियंस का और उनका बैकग्राउंड चेक करिए, सभी रईस परिवारों से होते नहीं है। तो फायर इन द बेली, उसी से ही चैंपियन बनते हैं। वहाँ बहुत सारे होटल्स को लिखा होता था इंडियन एथलीट्स नॉट अलाउड हियर। मैंने अपने आप को कमिट करा ओलंपिक्स के लिए, तो 99% लोगों ने बोला ये पागल हो गया है। लेट्स से वन ओलंपियन हैविंग वन अ मेडल, हमें किसी ने नहीं बुलाया था कि अगर मुझे सोनिया गांधी ने बुलाया हो, अगर मुझे उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी उन्होंने बुलाया हो। There are countless ways to serve one's motherland, but while most of us spend a lifetime trying to excel at doing so in one way or another, there are some people who leave us in awe of the milestones they have achieved. Today we have with us one such icon, an army man, an athlete, a champion and a statesman, Colonel Rajvardhan Singh Rathore. Thank you so much for joining us today, sir. Thank you so much. Sir, you know, let's go back to the start. There was a time when you were a young kid and you said ki aap backbencher the, aap peeche baith ke plans banate the. Yeah. जो पढ़ाइयों के बारे में नहीं होते थे। Did you dream as a young school going boy of the great heights you were going to achieve? No, certainly not. I mean, if you talk about dreaming for great heights, no. उस जमाने में क्या होता था कि आपके जो सपने होते थे उनको सीमित रखा जाता था एनवायरनमेंट द्वारा। अरे इतना बड़ा क्या सोच रहे हो, इतना क्या सोच रहे हो, ये भी जो है उसमें हमारे सपने होते थे उस समय क्लास में सबसे बढ़िया खेलने के, स्कूल की टीम में आने के, बहुत छोटे सीमित होते थे। ओलंपिक्स तो सोच भी नहीं सकते थे। आज दुनिया आपके हाथ में आ गई है बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो आपका एक्सपोजर बड़ा हो गया है। अपनी क्लास में हीरो बनने की कोशिश थ्रू स्पोर्ट्स और थ्रू एक्सेलेंस इज़ अ गुड इनफ फर्स्ट स्टेप टू डू वेल। ओलंपिक्स एशियन गेम्स की श्रृंखला में क्लास 4A और 4B का मैच भी रखूंगा। क्योंकि उस समय तो महाभारत वही होता था हमारे लिए। So what did you play in school? What was your favorite sport in school? सब कुछ खेलते थे और जो बल्ला मिल जाए उससे खेलते थे, बल्ला नहीं मिले तो लकड़ी तोड़ के खेल लेते थे, वो नहीं मिले तो हाथ से खेल लेते थे, हाथ नहीं मिले तो किताब के पन्ने खोल के चौके छक्के मार लेते थे। सो बैक बेंच पे तो आपको पता है ना सारे खेल होते हैं वहाँ पे, तो सब कुछ खेलता था मैं, एथलेटिक्स, फुटबॉल, स्विमिंग, मैंने हॉर्स पोलो भी खेला हुआ है, दैट वाज ऑफ कोर्स इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर यू नो द स्कूल बॉय ग्रू अप, यू जॉइंड द आर्मी, यू वेंट ऑन टू रिसीव द IMA फर्स्ट अवार्ड ऑफ ऑनर, एंड यू नो यू बीन एन ओलंपियन, यू आर ऑफ कोर्स अ पॉलिटिशियन नाउ। हाउ डिड यू कीप द डिजायर टू एक्सेल, टू मतलब इंडिया को हर फील्ड में देने का, वापस देने का, आप में ये जज्बा कहाँ से आता है? देर इज़ अ फिलोसफी आई गो बाय, इट इज आई कैन, इट्स नॉट आई कैन इज इन अ वर्ड, इट इज ICAN विच इज इम्प्रूवमेंट दैट इज कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग। सो इम्प्रूवमेंट इज, देर इज नो डेस्टिनेशन, यू जस्ट कीप इम्प्रूविंग। देर आर सम डेज वेन यू फील गुड, आज का दिन वो मैंने करा, अच्छा करा, वहाँ थोड़ी सी गलती रही, ऐसा। इट्स जस्ट एवोल्यूशन, आप लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, आप और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रहता है, लेकिन थककर नींद अच्छी आती है। यू वन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक सिल्वर, एंड यू नो दैट इटसेल्फ फॉर एज सिटीजंस, एज country people, we were so proud, you know, for that winning. So how did you feel in that moment? Aapko wo moment yaad hai, maine padha tha aapki wife who you said you would call and strategize with couldn't watch it because of a cable operator's strike, but aapko wo moment yaad hai ki kya tha, kaise hua tha? See, this is an anti-climax for you because and probably for the viewers, because aap itni lambi training karte hain, saalon saal, 4 saal 5 saal ki aap training karte hain, 6-6, 7-7 घंटे आप आउटडोर्स में होते हैं, फिर शाम को आके दूसरी ट्रेनिंग होती है,
इतने लंबे संघर्ष होते हैं और हजारों बार आप हारे हुए होते हो, आप टूटे हुए होते हो, वहां से आप उठ के वापस खड़े होते हो। आपको समाज और आपके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिस्कार्ड कर देते हैं कि अरे भारत तो हमेशा हारता है, तुम कहाँ तैयारी कर रहे हो ओलंपिक्स में। मैं आज के भारत की बात नहीं कर रहा, मैं 1998 के भारत की बात कर रहा हूँ। कोई स्पॉन्सरशिप्स नहीं होती थी, कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं था। ऐसे माहौल से आप निकलकर आप एक उस उम्मीद की तरफ लेके चल रहे हो कि मैं ये साबित करूँगा कि भारतीय ब्राउन स्किन पीपल कैन विन, वी कैन डू इट, सो एंड वी कैन डू इट बेटर देन एनीबडी एल्स। सो आपकी एवरीथिंग अराउंड यू इज नेगेटिव एंड देन यू कमिंग फ्रॉम देयर एंड यू आर लूजिंग बैटल्स ऑन अ डेली बेसिस बट येट कैरिंग ऑन योर फाइट एंड देन इवेंचुअली यू रीच दैट डे एंड यू विन देयर अ सिल्वर मेडल। So you are numb. Understand. It's an anti-climax, but you are numb. You are numb because a lot of emotions are going, a lot of thoughts are going. कि आप ये इन सब चीजों से गुजर रहे हैं, and you feeling relaxed, satisfied. It's a relief कि you've been able to do something. सर आपने बोला कि आप जिस इंडिया की बात कर रहे हैं, जब आपने ओलंपिक मेडल जीता था, वो बहुत फर्क था। आपने भी एक बार पहले मैंने सुना था, आपने बताया था कि कैसे आप मैगी के पैकेट, राशन के पैकेट, यू नो, राशन लेके जाते थे टू कुक इन होटल्स टू सेव मनी, यू नो। आज के एथलीट्स को वो बेहतर इंडिया मिलता है, तो उस समय के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है भारत के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और एनवायरमेंट में भी। मैंने खुद ने इंडियन एथलीट्स को देखा हुआ है जब वो अपने साथ मैगी के पैकेट्स लेके जाते थे, चावल लेके जाते थे, क्योंकि विदेश में आप कहीं पे भी खाना जाएं तो वो डॉलर्स में होता है, यूरोज में होता है, महंगा होता है। आपको जो पॉकेट अलाउंस मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी, उससे सस्टेन नहीं कर पाते थे। आप सोचिए, आप किसी मुकाबले में जाएं, यू सपोज टू बी एथलीट, यू सपोज टू बी इन द बेस्ट फिजिकल कंडीशन। बेस्ट फिजिकल कंडीशन के अंदर वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज कि आप सही न्यूट्रिशन लें, और आप वहां जाकर मैच से 12 दिन पहले आप मैगी पे रहें या नूडल्स पे रहें या चावल पे रहें और आप खुद बना रहे हैं, आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं। वहां बहुत सारे होटल्स, क्योंकि हम कई जगह मुकाबले पे जाते थे तो दोबारा उसी होटल्स में जाते थे, तो बहुत जगह तो इंडियन लिखा होता था, इंडियन एथलीट्स नॉट अलाउड हियर, क्योंकि वो उनके कारपेट जल जाते थे वो हीटर जलाने से। तो वो तो इस तरह का माहौल था। आप देखिए 2014 के बाद में इतना बड़ा परिवर्तन आया। मुझे याद है हम इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी ट्रेनिंग का पैसा, मेडिकल एक्सपेंसेस का पैसा, कोचिंग का पैसा, ट्रैवल का पैसा, स्पेशल डाइट का पैसा, सब चीज़, इक्विपमेंट का पैसा, सब चीज़ का पैसा भारत सरकार देती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आप ये सब तो दे रहे हो, ये तो सब साधारण परिवार से आते हैं, इनके जेब खर्च का क्या होगा। तो हमें लगा कि अरे ये बात तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा आप इन सभी जो टॉप के खिलाड़ी हैं भारत के, और तकरीबन ऑन एन एवरेज 200 से 250 खिलाड़ी होते हैं जो टॉप्स के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा इनको 50,000 रुपये प्रति माह आप देना शुरू करिए। तो इंडियन टॉप एथलीट्स अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग बीइंग कवर्ड, सब कुछ कवर है उनका, उसके ओवर एंड अबव दैट उनको 50,000 रुपये एज पॉकेट अलाउंस मिलते हैं। और बहुत सारे एथलीट्स मेरे पास आए उसके बाद में बोलने के लिए, सर इसके लिए धन्यवाद आपको। तो मैंने कहा क्या हुआ, बोला कि सर उससे पहले तो हमारे को पड़ोसी परिवार वाले सब बोलते थे कि कहाँ तुम खेलों में अपना समय वेस्ट कर रहे हो, पैसे खर्च हो रहे हैं। अब सब हमारी पीठ थपथपा रहे हैं कि अच्छा है और खेलो, इस खेलों की तैयारी करो। सो बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक परिवर्तन और आया जो प्रधानमंत्री जी ने जो स्पोर्ट्स की तरफ फोकस करा। सी आई बी ना स्पोर्ट्समैन माईसेल्फ, और मुझे पता है कि प्राथमिकता में नहीं होता था। आप भारत के लिए खेल रहे हो, वहाँ तिरंगे के मान सम्मान के लिए जंग हो रहा है और भारत बहुत पीछे आ रहा है, कहाँ हमारा सॉफ्ट पावर, कहाँ हमारी रेपुटेशन सब मिट्टी में मिल रही है, आप उसको प्राथमिकता में नहीं डाल रहे।
और खिलाड़ी जब लौट कर आते हैं, चाहे वो पैरा ओलंपियंस हो, चाहे यूथ ओलंपिक्स वाले हों, चाहे ओलंपिक्स के खिलाड़ी हों, तुरंत उनसे मुलाकात करते हैं उनको, न केवल आने के बाद बट टीम्स जब परफॉर्म कर रही होती हैं तो उनको कॉल करके मोटिवेट करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, चाहे हारे या जीते प्रधानमंत्री जी ये बताते हैं कि देश आपके साथ में है। मुझे याद है जब हम खेलने जाते थे तो 3 सेट ऑफ क्लोथ्स साथ में लेके चलते थे सुबह, और अपने साथ टिफ़िन लेके चलते थे, क्योंकि सुबह जाते थे स्पोर्ट्स ड्रेस में स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करने के लिए, उसके बाद में शूटिंग करने के लिए, उसके बाद में कपड़े बदल कर फाइल लेकर जाते थे हम खेल मंत्रालय और घंटों वहाँ बिताते थे, बाहर प्यून के साथ बैठे होते थे, उसके बाद वहाँ से चेंज करके हम जाते थे जिम के लिए, फिटनेस के लिए, और पूरे दिन का खाना साथ में लेके चलते थे, पराठे वगैरह रोल वो खा के। तो ये हमारा हर रोज का होता था, फाइलों को लेके लेके धक्के लगाते फिरते थे। टारगेट ओलंपिक पोडियम मोदी सरकार ने, जैसे बैंक्स के अंदर होता है ना कि आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, वैसे हमने रिलेशनशिप मैनेजर्स लगाए, आपकी पूरा का पूरा जो फाइलों का काम है वो रिलेशनशिप मैनेजर पूरा ख़त्म करके आप जहाँ हैं वहाँ पर आपको आके पकड़ाएंगे, खिलाड़ी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अलॉट ऑफ पीपल से प्रधानमंत्री तो पहले भी मिलते थे खिलाड़ियों से। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज इट इज़ मी, लेट्स से वन ओलंपियन हैविंग वन अ मेडल, हमें किसी ने नहीं बुलाया था एंड देयर वाज ओनली वन सिंगल मेडल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं तो चैलेंज करा था पार्लियामेंट के अंदर, मैंने कहा कांग्रेस वाले फोटो ढूंढ के बता दें कि अगर मुझे सोनिया गांधी ने बुलाया हो, अगर मुझे उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी उन्होंने बुलाया हो, किसी ने नहीं बुलाया। तो ये प्राथमिकता होती है, ये प्रायोरिटी होती है। आई नो प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे प्रेशर्स हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उस समय भी थी आज भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, बट लेकिन जब आप बोलोगे कि सभी बुलाते थे तो फिर इसको भी याद कर लीजिए कि सभी नहीं बुलाते थे। जब एक पदक भी आता था पूरे भारत का तो भी नहीं बुलाते थे, तो 3-4 आएंगे तो क्या बुलाएंगे। दिस इज वन ऑफ देम विच देयर इज अनदर वन। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट राज्यवर्धन जब जीता था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आई वांट टू मेक दैट वेरी क्लियर। जब मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा था तो पूरी फंडिंग मेरी, 1 साल की पूरी फंडिंग भारत सरकार ने करी। आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट आई हैव वन विद टैक्स पेयर्स मनी एंड सो देयरफॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई नेशन। आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2004, इट वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम जसवंत सिंह जी हु हेल्प्ड विद द फंडिंग। जब मैं ओलंपिक्स के लिए गया तब पीछे से भारत सरकार चेंज हुई, सो पूरी मेरी ट्रेनिंग की फंडिंग वॉज कर्टसी बीजेपी दैट टाइम, एनडीए सरकार, इन स्पेसिफिक द फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम जसवंत सिंह जी। एंड व्हेन आई वन एंड केम बैक, यहाँ सरकार बदल चुकी थी, सो इट इज़ वेरी क्लियर कि जब मैं वापस भी आया तो मुझे एक व्यक्ति ने बुलाया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ने मुझे बुलाया। गेस करिए, मुझे बुलाया उस समय के वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन सी पार्टी से थे पहले? बीजेपी से। तो जाने से पहले मुझे फंडिंग बीजेपी से मिली, आने के बाद मेरी पीठ थपथपाई बीजेपी ने थपथपाई। सो लेट्स कीप इट वेरी क्लियर फॉर द रिकॉर्ड फॉर दोज हु से दैट इट वाज ही वन व्हेन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज इन पावर। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी नतीजा था जो आपको लगता है लाइक द वन फेलियर हु व्हिच आल्सो शेप्ड हु यू आर, इट डिफाइंड कैरेक्टर फॉर यू? मैं एक आपको बताना चाहूंगा। सो 1998 में मैंने शुरू करा था, उस समय ये विश्वास था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। आई वॉज द बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ माई मिलिट्री कोर्स, आई वॉज द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, तो बहुत सारी चीज़ें थी। कश्मीर में बहुत शानदार मैंने काम करा था, सो एक विश्वास था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और क्योंकि कश्मीर से मैं वापस आया था जहाँ लिटरली ये होता था कि जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो वहाँ से जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि
जब जीवन इतना ही शॉर्ट है तो फिर मुझे वो करना चाहिए जो मैं सच्चे मन से करना चाहता हूँ, फिर पैसे के लिए नहीं और किसी और चीज़ के लिए नहीं, बस इसी के लिए कि मेरा पैशन ये है। तो तब मैंने अपने आप को कमिट करा ओलंपिक्स के लिए, और जब मैंने वो करा तो 99% लोगों ने बोला ये पागल हो गया है, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो उस समय का माहौल था जब कोचेस का कोई सिस्टम नहीं होता था, भारत सरकार की फंडिंग का कोई सिस्टम नहीं होता था, कोई सिस्टम ही नहीं था स्पोर्ट्स का, जो कुछ थे वो आप ही थे, स्पॉन्सरशिप भी नहीं होती थी। जिनको मैं दोस्त समझता था मैंने उनसे अगर कोई मदद मांगी तो उन्होंने मैंने एक व्यक्ति को, बहुत समझदार एक व्यक्ति था, उनको मैंने एक ईमेल लिखी और लिख के बोला कि इस तरह की परिस्थिति है, जिनको मैं दोस्त समझ रहा था उन्होंने वो मदद नहीं कर रहे, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब लिखा जिसको मैंने A4 साइज़ के पेपर पर प्रिंट करके अपने घर पे चारों तरफ चिपका दिया। तो सुबह उठता था तो सबसे पहले मुझे वही नज़र आता था, मैं ब्रश करने जाता था तो शीशे पे मैंने वही चिपकाया हुआ था, जहाँ मेरी नज़र जाए घर में मैंने वही चिपकाया हुआ था। और उस पे लिखा हुआ था कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कभी अच्छी होती हैं कभी ख़राब होती हैं, लेकिन वो परिस्थितियाँ आपका भविष्य तय नहीं करेंगी, उन बदलती परिस्थितियों के अंदर आपका निर्णय आपका भविष्य तय करेगा। So this situation will never decide your future, but your decisions in those situations, whatever the situation is, in those situations your decision will shape your future, will shape your destiny. Usse mujhe ko ye sikha ki I have to take control of my life. Main ye nahi keh sakta are aaj unhone madad nahi kari, aaj wo nahi hua. Nahi, jo karunga main khud karunga, और जो नहीं होगा नहीं करूंगा, लेकिन जो होगा वो मेरे से ही होगा। सो व्हेन यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ देन एवरी मोमेंट यू ट्राई एंड शेप इट। सो व्हाट इज द वन थिंग यू वुड टेल आवर व्यूअर्स, द स्पोर्ट्स पीपल, द बडिंग एथलीट्स आउट देयर हु सम ऑफ हु मे हैव द यू नो द ऑप्शंस टू मेक इट इजी, द प्रिविलेज टू मेक इट इजी, बट सम हु आल्सो डोंट फाइंड इट वेरी इजी बट चूज टू फॉलो दैट पैशन, व्हाट वुड यू से टू देम? संसाधनों से कोई चैंपियन नहीं बनता। अगर संसाधनों से, पैसे से, सहूलियत से अगर चैंपियन बनने होते तो आप उठा लीजिए, गूगल करिए चैंपियंस का और उनका बैकग्राउंड चेक करिए, सभी रईस परिवारों से होते नहीं है। विच मीन्स एक आपके अंदर जो आग है, जो आपके फायर इन द बेली, उसी से ही चैंपियन बनते हैं। उसके बाद आप नॉलेज ढूंढते हैं, उसके बाद आप रिसोर्सेज ढूंढते हैं, उसके बाद आप एक्शन करते हैं, उसके बाद आप फेल होते हैं, पास होते हैं, फिर आप वापस करते हैं, बट यू कीप एट इट बिकॉज देयर इज अ फायर इन द बेली टू अचीव समथिंग, टू डू समथिंग, दैट इज व्हाट मेक्स द चैंपियन। और वो बाजार में नहीं मिलता, वो आपको अंदर ही पैदा करना होता। सो रिसोर्सेज डोंट मेक यू अ चैंपियन, इनफैक्ट व्हेन देयर आर टू मच ऑफ रिसोर्सेज यू बिकम लेजी। There's a whole theory to it, yes. But we'll talk about it some other time. But resources do not make a champion. It's your fire in the belly that makes you a champion. So keep the fire burning. Yeah. All right. Thank you so much, sir.